रेडियो एसडी 90.8 एफएम पर आ गई हूँ आरजे रीना और आप सुन रहे हैं शो ब्लैक एंड व्हाइट, जहाँ हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने एक छोटी सी नादान सी बची सी अलहड़ सी समझ नहीं था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, एक्टर से कैसे बातें की जाती है, एक्टिंग कैसे की जाती है, डायरेक्टर के बात नहीं सुनना और सीन के बीच में ही रो देना, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कदम फिल्म इंडस्ट्री में रख दिया था और जैसी जैसी बड़ी हुई सबके दिलों में राज करती चली गई। और यही नहीं, आज इनका बर्थडे भी है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कॉल कर बता सकते हैं, नंबर है 9045908908। बाकी आती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद, सुनते रहिए रेडियो एसडी 90.8 FM, आपके दिल की बात आरजे रीना के साथ शो ब्लैक एंड व्हाइट। रेडियो एसडी 90.8 FM पर आ गई हूँ आरजे रीना और आप सुन रहे हैं शो ब्लैक एंड व्हाइट, जहाँ बातें करने वाले हैं कपूर खानदान की सबसे बड़ी बहू नीतू जी। आज जिनका बर्थडे है, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे नीतू जी, और 65 की हो गई है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और ये पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है। लग ने बचपन से ही साथ दिया इनका और फिल्मों में बहुत ही अच्छी एक्टिंग भी करती है। लेकिन जब ये ऑडिशन के लिए गई थी तब ऐसा क्या बोल दिया था कृष्ण कुंज डायरेक्टर को, जो बिना ऑडिशन के ही इनको सेलेक्ट कर लिया था, बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो एसडी 90.8 FM, आपके दिल की बात आरजे रीना के साथ शो ब्लैक एंड व्हाइट में। रेडियो एसडी 90.8 FM पर आ गई हूँ आरजे रीना और आप सुन रहे हैं शो ब्लैक एंड व्हाइट, जहाँ हम बातें कर रहे हैं नीतू कपूर जी के बारे में। आज के जमाने में कोई भी ऐसी एक्टर नहीं है जो बॉबी रोल का प्ले करती हो, लेकिन उस टाइम की इकलौती ऐसी एक्टर है जिन्होंने बॉबी रोल का प्ले किया। दो दरिया फिल्म के ऑडिशन देने गई थी, उस टाइम ये 6 साल की थी, और उन्होंने वहाँ देखा कि डायरेक्टर कृष्ण कुंज अपने शर्ट के 4 बटन खोले और मेज पर अपने दोनों पैरों पर रखकर ऑडिशन ले रहे थे। ये देखकर नीतू जी को बड़ा ही गुस्सा आया और बोले, अरे अंकल ये क्या बात होती है, ये बात करने की तमीज है, आपके आपके घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है क्या। ये देखकर डायरेक्टर पिघल गए और इनको डायरेक्ट बिना ऑडिशन के ही फिल्मों में ले लिया। ऐसी है हमारी नीतू जी, बातें और भी है, सुनते रहिए रेडियो एसटी 90.8 FM, आपके दिल की बात आरजे रीना के साथ शो ब्लैक एंड व्हाइट में। रेडियो एसडी 90.8 FM पर आ गई हूँ आरजे रीना और आप सुन रहे हैं शो ब्लैक एंड व्हाइट, जहाँ बातें कर रहे हैं नीतू कपूर जी के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ, इनको प्यार हुआ था ऋषि कपूर से, लेकिन इनकी मम्मी को ऋषि कपूर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, जबकि ये दोनों एक अच्छे दोस्त थे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, हेल्प करते थे। यहाँ तक कि ऋषि कपूर कुछ गलतियाँ करते, नदानियाँ करते, तो नीतू जी इनको समझाती भी थी, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे कोई अपने को समझाता। वही बात आ गई ना कि हम जिससे प्यार करते हैं ना उसको अपना समझने लगते हैं, और वही समझकर हम उसको हमेशा सही मार्ग पर चलने का सलाह देते हैं। जिंदा फिल्म की शूटिंग हो रही थी उस टाइम, ऋषि कपूर ने नीतू जी को चैन पहनाकर ये बोला था कि अब तुम मेरी हो, और ये बात जब उनकी मम्मी को पता लगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा भी हुई, क्योंकि ऋषि कपूर उनकी मम्मी को पसंद ही नहीं थे, अकेले उनको मिलने नहीं जाने देती थी ऋषि कपूर से, हमेशा उनके साथ उनके भाई को भेजती थी। लेकिन ये भी बड़ी जिद्दी थी, अपने भाई को बोलती कि तू पूरे मुंबई में घूम, हमें अकेले छोड़ दे, डिस्टर्ब मत कर। बातें और भी है, सुनते रहिए रेडियो एसडी 90.8 FM, आपके दिल की बात आरजे रीना के साथ शो ब्लैक एंड व्हाइट में। रेडियो एसडी 90.8 FM पर आ गई हूँ आरजे रीना और आप सुन रहे हैं शो ब्लैक एंड व्हाइट, जहाँ हम तमाम बातें कर रहे हैं नीतू जी के बारे में। तो एक बात ऐसी भी है, जब वो जितेंद्र जी के साथ काम कर रही थी और उनको अंकल कहकर बुलाती थी, क्योंकि नीतू जी काफी छोटी थी, लेकिन जितेंद्र जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि नीतू जी उनको अंकल कहकर बुलाए। लेकिन उनको क्या पता था कि अंकल बोलने वाली लड़की एक दिन मेरे सामने एक्टर बन के आ जाएगी। फिर भी उनको काफी समझाते थे कि तुम मुझे अंकल मत बोलो, लेकिन नीतू जी जिद्दी थी, वो समझती नहीं थी। फिर उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें
मैं अपने फिल्मों में नहीं ले सकता क्योंकि तुम मुझे अंकल बोलती हो। उस दिन के बाद नीतू जी ने तो उनको जीतू जी कहकर बुलाती थी। और ऐसी क्या बात हो गई थी कि नीतू जी आधे गाने के शूटिंग में छोड़कर चली आई थी, जानेंगे बस एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो एसडी 90.8 FM, आपके दिल की बात विद आरजे रीना के साथ, शो ब्लैक एंड व्हाइट में। रेडियो एसडी 90.8 FM पर आ गई हूँ आरजे रीना और आप सुन रहे हैं शो ब्लैक एंड व्हाइट, जहाँ बातें कर रहे हैं नीतू कपूर के बारे में। तो काफी छोटी थी जब फिल्मों में काम करना शुरू किया उन्होंने। डायरेक्टर या एक्टर कोई भी उनको कुछ बोल देता तो चिट जाती थी, लड़ने लग जाती थी, क्योंकि बचपन में किसको समझ होती है कि क्या गलत है क्या सही है। एक बार अमिताभ बच्चन जी के साथ याराना फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उसमें एक गाना है सारा जमाना हसीनों का दीवाना। उस गाने में आपने देखा भी होगा कि आधे गाने के बाद नीतू जी नहीं दिखती है। कुछ ऐसी बातें हो गई थी कि उनको मन ही नहीं लगता था और नीतू जी ने बोल दिया था कि मैं इस गाने को और शूट नहीं कर सकती। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मुझे घर की याद आ रही है, ऋषि कपूर की याद आ रही है। तब अमिताभ बच्चन ने उनको बोला था कि एक काम करो, तुम पैकिंग कर लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और बाकी के गाने हम अपने आप मैनेज कर लेंगे। उस टाइम नीतू जी अपने घर चली गई थी। याराना फिल्म में उनको बोला था कि तुम नीतू जी को आई लव यू बोलो। तब अमिताभ बच्चन नहीं बोल पाए थे। उनका कहना था कि ये तो बहुत छोटी बच्ची है, मैं इनको कैसे बोल सकता हूँ। बातें और भी है, सुनते रहिए रेडियो एसडी 90.8 FM आरजे रीना के साथ शो ब्लैक एंड व्हाइट में। रेडियो एसडी 90.8 FM पर आ गई हूँ आरजे रीना और आप सुन रहे हैं शो ब्लैक एंड व्हाइट, जहाँ हम तमाम बातें कर रहे हैं नीतू जी के बारे में, उनकी जिंदगी से जुड़ी कहानियों के बारे में। 1977 में फिल्म आई अमर अकबर। इस फिल्म में जितेंद्र जी, धर्मवीर और अमिताभ बच्चन भी साथ में थे और इस फिल्म में इन्होंने युवा डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। और यही वो फिल्म है जब नीतू जी ने जितेंद्र जी को अंकल बोलना छोड़ा था, क्योंकि वो काफी छोटी थी इसीलिए उनको अंकल जी बोलती थी और जानबूझकर बोलती थी, जिससे जितेंद्र जी चिढ़ जाते थे और बोलते थे कि तुम मेरे साथ एक भी फिल्म मत बनाना। अरे चलना, कौन बनाना चाहता तेरे साथ फिल्म, वो तो मेरा बड़ापन है कि मैं तेरे साथ फिल्म बनाती हूँ। बातें और भी है, सुनते रहिए रेडियो एसडी 90.8 FM, आपके दिल की बात आरजे रीना के साथ शो ब्लैक एंड व्हाइट में। रेडियो एसडी 90.8 FM पर आ गई हूँ आरजे रीना और आप सुन रहे हैं शो ब्लैक एंड व्हाइट। तो अब जान लेते हैं कि नीतू जी की हिट फिल्में कौन कौन सी रही। अदालत 1977 में, कस्मे वादे 1978 में, जानी दुश्मन 1979 में, काला पत्थर 1918 में। काला पत्थर वाकई में ही बहुत अच्छी फिल्म है, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। 1981 में याराना फिल्म, ये वही फिल्म है जिसमें इन्होंने आधी शूटिंग के टाइम छोड़कर चली आई थी ऋषि कपूर के पास, अपने घर वालों के पास, क्योंकि इनको काफी ज्यादा यादें आ रही थी इनकी। अब जान लेते हैं इनको कौन कौन से फिल्मों में अवार्ड मिले। काला पत्थर 1980 में फिल्म फेयर का अवार्ड मिला इनको। दो दुनी चार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। जुग जुग जियो 2023 में आई फिल्म, फिल्म फेयर अवार्ड मिला। जुग जुग जियो फिल्म मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इस फिल्म को 3 बार देख चुकी हूँ। अगर आप ऐसे है कि अभी तक एक बार भी नहीं देखा है ना, तो देख लीजिएगा। बातें और भी है, सुनते रहिए रेडियो एसडी 90.8 FM, आपके दिल की बात आरजे रीना के साथ शो ब्लैक एंड व्हाइट में। रेडियो एसडी 90.8 FM पर आ गई हूँ आरजे रीना और आप सुन रहे हैं शो ब्लैक एंड व्हाइट, जहाँ हमने तमाम बातें नीतू जी के बारे में जानी, उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में हमने जाना। लेकिन शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में ब्रेक ले लिया। बहुत ऐसी कम फिल्में हैं जो उन्होंने बनाया होगा और आज भी सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती है, कुछ ना कुछ अपडेट देती रहती है। अब मेरा स्टूडियो से जाने का टाइम आ गया है, कल फिर मिलेंगे एक नए कलाकारों के साथ, नई कहानियों के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सुनते रहिए रेडियो एसडी 90.8 FM, आपके दिल की बात आरजे रीना के साथ शो ब्लैक एंड व्हाइट में।